बेटा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फिटफाट हैं? बमबाट हैं? शुक्र है यार, आज हवा चल रही है और मौसम काफ़ी बेहतर है, गर्मी कम है। आज सुबह बादल भी थे आसमान पर, ये देखिए अभी भी हल्के हल्के बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी धूप ज़्यादा है और बादल कम, अलबत्ता हवा चल रही है इसलिए गर्मी भी शुक्र है कम हो गई है। यार ये देखिए, हमारी तीन स्त्रियाँ हैं घर पर और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही ख़राब हैं। ये वाली जो आयरन है इसमें मसला ये है कि ये कपड़ों को जला देती है, और ये वाली जो आयरन है ये चलना बंद हो गई है खैर से, और इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि ये चलना बंद हो गई है। तो यार इन तीनों आयरन्स को हमें इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाना है, इनको ठीक करवाना है। खैर ये तो मैं करवा लूँगा। आज की वीडियो में दोस्तों हमने पता क्या करना है, स्त्रियाँ नहीं ठीक करवानी, हमने आज एक ऐसी स्वीट डिश बनानी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि मुझे खुद ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, और मैं ना सिर्फ बचपन में ये डिश खाया करता था बल्कि आज भी जब भी घर पे ये चीज़ बनती है तो मैं बहुत ही शौक से खाता हूँ इसको। और वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज क्या बनाने वाला हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, बादामी हलवा। तो दोस्तों अभी हम सूजी की तैयारी शुरू करने लगे, और सूजी का हलवा बनाना मुझे अच्छी तरह से आता है क्योंकि सूजी का हलवा कोई इतनी मुश्किल रेसिपी है नहीं बनाना। हमारे पास जो जो सामान मौजूद है देखिए, उसमें सूजी है, बादाम है, इलायची है और ऑयल है, चीनी हमारे पास मौजूद है, और ये जो पतीला आप देख रहे हैं ना इसमें हमने हलवा तैयार करना है। खुला बर्तन हमने इसलिए लिया है ताकि सूजी अच्छे से पके इसमें, और चीड़ वाली सूजी हम बनाया करते थे बचपन में घर पे, हम वैसी ही सूजी बनाने की कोशिश करेंगे इस बड़े से पतीले के अंदर। दोस्तों सबसे पहले तो हमने इस कढ़ाई में ना सूजी को थोड़ा सा ब्राउन करना है, इसको रोस्ट करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे हम। यार सूजी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुकी है, लाइट ब्राउन हमने किया है इसको और अच्छी खासी रोस्ट हो चुकी है। ज़्यादा डार्क हम दोस्तों इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये जल ना जाए, तो इसलिए हम इसको अब यहीं पे बंद कर देते हैं। तो यार सूजी जब तक रोस्ट हो रही थी मैंने ना इस दौरान खोपरे को भी स्लाइसिस में काट दिए छोटे छोटे पीसेज में, और बादाम जो हमारे पास थे उनको भी मैंने इन छोटे छोटे पीसेज में काट कर तैयार कर लिया ताकि हम इनको सूजी में डाल सकें। इस कढ़ाई में ना चीनी को मेल्ट कर लेंगे। दोस्तों इस कढ़ाई में हमने सूजी से तीन गुना ज़्यादा पानी डाला है चीनी मेल्ट करने के लिए, इसी पानी को हम सूजी को कुक करते हुए यूज़ करेंगे। हमने शीरा नहीं बनाना, बस चीनी को ना इसके अंदर मेल्ट कर लेना है। यार चीनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पानी में मेल्ट हो चुकी है, और अब हम प्रॉपर सूजी का हलवा तैयार करने लगे हैं। हम ना दो कप ऑयल डालेंगे दोस्तों, ज़रूरत पड़ी तो और ऑयल भी डाल दिया जाएगा। फाइनली दोस्तों हमारी सूजी जो है वो ब्राउन हो चुकी है, और अब हम इसके अंदर ये वाला पानी डालने लगे हैं। दोस्तों तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे मज़ीद, और उसके बाद हमारा जो हलवा है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों हलवा हमारा बिल्कुल तैयार होने को है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यार। कुछ देर हम इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो हम चीड़ वाला कह रहे थे ना हलवा बनाएंगे तो वो चीड़ इसमें आएगी इस तरह हिलाने से। शक्ल देखिए कितनी ज़बरदस्त निकल आई है।
तो यार हलवा हमारा तैयार हो चुका है। क्या बात है, जबरदस्त। अभी थोड़ी सी देर इसको हम इसी तरह रखेंगे थोड़ा सा, ताकि ठंडा हो जाए, फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकलेंगे। दोस्तों हलवा मैं सबसे पहले खुद ट्राई कर लूँ यार, क्योंकि मुझे खुशबू ने बहुत बेताब किया हुआ था इसको खाने के लिए। बिस्मिल्लाह, बेहतरीन है यार, सब कुछ परफेक्ट है। चलो भाई। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्लम्स एरिया में, जहां पे हमने बच्चों में बड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सूजी का हलवा। चलो बर्तन ले आओ, बर्तन ले आओ। शाबाश शाबाश। तो फाइनली यार सूजी का हलवा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। असल में लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं यार, सबकी यही कोशिश होती है कि उसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।